हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हेमंत रावत से देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डनर एजुकेशन। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जो यूपी टेट एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, तो उसका मैथ और साइंस का पेपर सॉल्यूशन है। इससे पहले वाले जितने भी टॉपिक थे उसके मैंने डाल दिए, ठीक है। ये साइंस का है और मैथ्स का है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब फटाफट इसके आंसर आप लिखते चलें। जैसे कि देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये आपका सीरीज चाहे कोई सा भी हो सकता है दोस्तों, आप एक बार सीरीज को ज़रूर मिला लेना, ठीक है। इसमें मैं बता रहा हूँ वो सीरीज शायद आपके चेंज भी हो सकती है, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कीजिए। पहला क्वेश्चन का आंसर आएगा, देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी के अंतः केंद्र ओ हो और बी एंगल बीओसी 110 डिग्री हो, तो एंगल बीएसी का मान निकालना था। तो इसके अंदर अपना आंसर आएगा दोस्तों 91 में आंसर आएगा 40 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या होगी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 92 में आंसर होगा 300, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। दोस्तों इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन वैसे तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि मेरे को बस ओनली आंसर ही बताने, इसका सॉल्यूशन मैं बाद में अपनी क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 2 की पावर 50, 3 की पावर 40, 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों 3 की पावर 40, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 की पावर 40, इसमें सबसे बड़ी संख्या होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए 94 देखिए, यह ए बी एक वृत्त का व्यास है और ए बी सी डी उसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है, यदि एंगल ए सी डी 40 डिग्री हो तो एंगल बी ए डी का माप होगा, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों अपना 94 में आंसर आएगा 50 डिग्री, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, यदि 0 से ग्रेटर देन और 5 से लेस देन हो, तथा y 5 से ग्रेटर देन और 10 से लेस देन हो, तब x अपॉन y का अधिकतम मान होगा, तो तब x अपॉन y का मान यहाँ पे निकल के आएगा दोस्तों। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकलेगा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। x अपॉन y की वैल्यू कितनी होगी, अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए दोस्तों, समीकरण y इक्वल टू 7x-2 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए दोस्तों, इसके लिए इस कथन सत्य होगा, इसके अनंत हल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंत हल होंगे। नेक्स्ट है, 49 की पावर 15-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये है सेकंड, देखिए ये हो जाएगी 48 और 8 से, ठीक है। तो इसमें सेकंड और फोर्थ तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और फोर्थ, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, कोस 135 डिग्री साइन 210 कोस 150 अपॉन साइन 270 कोस 315 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आंसर आएगा अपना दोस्तों 98 में आंसर आएगा √3/4, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तब √3/4 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, दो सतत विषम संख्याओं का गुणनफल 6723 है, तो छोटी संख्या का वर्गमूल है, तो इसके अंदर आंसर आएगा 99 में आंसर आएगा अपना 9, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 100 क्वेश्चन में देखिए, यदि x² + px - q तथा 5x² - 3px - 15q का महत्तम समापवर्तक x-3 हो तो p और q के मान होंगे, तो इसके अंदर अपना आंसर आएगा -5y3, -5y3, 4, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 101 में देखिए, 101 में देखिए, एक बेलन अर्धगोला तथा शंकु जिनके आधार और ऊंचाई एक समान है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, अगर आपको पता हो तो, √2 √2:1, ये सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि 15% लाभ लाभ और 15% हानि का अंतर 450 हो तो क्रय मूल्य होगा, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों 102 में आंसर आएगा ₹1500। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 103 में देखिए। यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विभाजक त्रिभुज है जिससे एंगल बी एबीसी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो त्रिभुज एबीसी के बारे में सत्य कथन है, तो 103 में आंसर आएगा दोस्तों अपना AC² = 2AB का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति किसी वृत्ताकार पथ का 4/5 भाग एम मिनट में तय करता है, तब उसी चाल से उस पूर्ण पथ की एक परिक्रमा करने में व्यतीत समय है, तो 104 में आंसर आएगा दोस्तों 5 m/4 min। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 m/4 min हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि x + y = 2z तो x·x − z + z·y − z का मान होगा, तो 105 में आंसर आएगा दोस्तों 1, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए तो इसके पार्श्व क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करके बताया था दोस्तों, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा इसमें 125%। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 125% वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 107 देखिए। रेखाएं x = 1 और y = 1 के प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक होगा, तो इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों 107 का सॉल्यूशन होगा 1,1। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य क्रमशः 5 और 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो, तो 108 में आंसर आएगा दोस्तों 9,1। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो 109 में आंसर आएगा दोस्तों 9,16। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 9,9:16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110वां देखिए। ये कोई क्वेश्चन था, यदि x^4 + 1/x^14 = 14 हो तो x^3 + 1/x^3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसका जब इसको सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों 110वां को, तो इसका आंसर अपना निकल के आएगा, वो आएगा देखिए, इसके सॉल्यूशन दो तीन आएंगे, देखिए ए और बी और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे, इसके अंदर आएगा दोस्तों 3√6 इसका सॉल्यूशन होगा, और एक सॉल्यूशन इसका होगा 9√2/3 होगा, और एक सॉल्यूशन होगा दोस्तों इसका 18√6 भी होगा इसका। ठीक है, तो ए बी सी इसका तीनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा AB C। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। यदि पेड़ पर बैठी B1 B2 और B3 तीन प्रकार की चिड़ियाओं में 3:7:5 का अनुपात हो तो चिड़िया B2 की संख्या चिड़िया B1 की संख्या में अंतर संख्याओं 9 और 7 के गुणज की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या भी हो, तब पेड़ पर बैठी चिड़िया की कम से कम संख्या कितनी होगी। जब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो अब इसका आंसर आता है अपना 111वें आंसर आता है दोस्तों 945। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 945। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि x = √2 − √3 के ऑल पावर -1 हो तब x³ − 2x² − 7x + 5 का मान है, तो 112 में आंसर आएगा दोस्तों 3, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन इसका राइट आंसर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि 10³ a + a एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो a कम से कम अंकों की संख्या है, तो a कितने अंकों की संख्या है कम से कम, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों 113 में आंसर आएगा 4। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ 4 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 68 वर्ष है, तो 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 1:12:1 था, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात होगा, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों जब इसको सोल्व करेंगे तो 15:4 आएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 15:4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 15। समीकरण ए बी एक्स
स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और एक्स माइनस वन के मूलों के व्युत्क्रम का योग है। तो 115 में आंसर आएगा दोस्तों, जब इसको सोल्व करेंगे तो सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई प्राकृतिक संख्या m के लिए गुणनफल m इंटू एम प्लस टू और m प्लस फोर हमेशा विभाजित होगा। तो 116 में आंसर आएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन, थर्ड थ्री इससे एक थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से। ठीक है, तो हमेशा विभाजित किससे होगा, 3 से होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 117 में देखिए दोस्तों, यदि 9/7 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 49/81 की पावर 2x-6 इक्वल टू 7/9 की पावर 9 हो तो x का मान है, तो 117 में आंसर आएगा दोस्तों 6। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कैसा है दोस्तों, ऐसे है क्वेश्चन, यदि छाता दो विभिन्न रंगों की 10 त्रिभुजाकार कपड़े के टुकड़ों को सिलकर बनाया गया है, तो प्रत्येक टुकड़े का माप 20 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, तो छाता बनाने के लिए प्रत्येक रंग के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों इसका आंसर आएगा अपना, जब इसको सोल्व करेंगे तो 118 में आंसर आएगा 1000√6। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1000√6 वर्ग सेमी। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो 119 में आंसर आएगा दोस्तों ए इक्वल टू सी। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में अपने का दोगुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जब इसके अंदर अपन रेट निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 120 का आंसर आएगा अपना, आर इक्वल टू 10% हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब करते हैं इसके साइंस के क्वेश्चंस। ठीक है, ये तो अब हुए अपने मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अब करते हैं इसके साइंस वाले क्वेश्चंस। तो साइंस वाले क्वेश्चंस अभी देखिए दोस्तों, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो दोस्तों तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए इसका क्वेश्चन है, यदि एक्स लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब एक्स टू लंबाई का हो तो, फिर रेशियो बताना था, तो इसके अंदर आंसर आएगा अपना एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा की एसआई इकाई है, तो ऊष्मा की ऐसा इकाई मैंने खूब अच्छे तरीके से पढ़ाया था दोस्तों आप सभी लोगों को, तो इसके अंदर अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, 122 में आंसर आएगा दोस्तों अपना जूल। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माध्यमों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है आपको मैंने अच्छे से बताया था, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों टाइप की। ठीक है, तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों टाइप की होती है। ठीक है, मतलब कि लॉन्जिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव दोनों टाइप की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है, तो एक एंगस्ट्रॉम का मान वैसे तो कितना होता है दोस्तों, 10^-4 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा अपना, थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, 10^-4 माइक्रोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम होती है, तो ध्वनि तरंग की चाल अधिकतम कितनी होती है दोस्तों, तो इसके अंदर आंसर आ जाएगा 125 में आंसर आएगा अपना, इस्पात में। ठीक है, तो ध्वनि तरंग की चाल किस में अधिकतम होती है, इस्पात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन जलीय ब्रायोफाइट है, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों रिक्शिया फ्लूटेंस। ठीक है, तो रिक्शिया फ्लूटेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, 127 में देखिए, निम्न में से कौन पूर्ण स्तंभ परजीवी है, तो इसके अंदर आंसर आएगा दोस्तों 127 में आंसर आएगा अपना अमर बेल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अमर बेल। ठीक है, मिलाते चलना दोस्तों आप अपने क्वेश्चन से मिलाते चलना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 128 में देखिए दोस्तों, पौधे में होने वाली घटनाओं का मिलान करें। ठीक है, तो देखिए जल का अवशोषण होता है किसके द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है। ठीक है, तो जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है, और जो जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा और खनिज का अवशोषण, अवशोषण की बात करें दोस्तों ना, तो
एपिब्लेमा के द्वारा होता है, और जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जल परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, और खनिज परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो मतलब कि क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्थानीय जातियाँ क्या है, तो स्थानिक जातियाँ क्या है दोस्तों, इसमें आएगा अपना आंसर 129 में अपना राइट आंसर होगा दोस्तों, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे पौधे और जंतु जो केवल एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों में मादा जननांगों के भागों का व्यवस्थित क्रम है, तो पौधों के अंदर मादा जननांगों के भागों का व्यवस्थित क्रम क्या क्या है दोस्तों, इसमें इसमें वर्तिकाग्र वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय एवं पुष्पाशन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तिकाग्र वर्तिका अंडाशय एवं पुष्पाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैल्सिनेशन कौन प्रदर्शित करता है, तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया है जो कैल्सिनेशन को शो कर रही है, तो इसमें आएगा अपना आंसर MgCO3 टू ट्राई MgO प्लस CO2 में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कौन सी रंगहीन गैस लेड एसीटेट पेपर को काला कर देती है, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों एक H2S गैस होती है, बहुत ही गंदी गैस होती है, मतलब कि इतनी बुरी बदबू आती है इसमें, मैंने आपको जैसे बताया था आपको मैंने पहले भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्न यौगिकों पर विचार कीजिए, तो इनमें इन यौगिकों में इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन स्नेही कौन कौन सा है, तो इसके अंदर देखिए दोस्तों एक एक इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, IF7 नहीं है, इसके अलावा सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, ठीक है, IF7 को छोड़कर सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा नाभिक स्नेही योगज अभिक्रिया के लिए सबसे अधिक क्रियाशील है, तो इसके अंदर कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, NO2 बेंजीन और CHO, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, NO2 बेंजीन CHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा आवर्त सारणी के एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या चीज़ किस किस चीज़ में चेंज होता है, देखिए इसके अंदर आंसर आएगा अपना दोस्तों 135 में आंसर आएगा, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। सेकंड है दोस्तों, परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, तो ये भी सही है। थर्ड है दोस्तों, आयनन एंथैल्पी के मान में कमी आती है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन AB MC, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों 136 में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी नहीं है, इसमें पराश्रव्य, क्योंकि इसके अलावा सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, क्योंकि पराश्रव्य क्या है, साउंड वेव है दोस्तों, है ना, ध्यान में रखना है इसको, साउंड वेव है इस। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति कोण का मान होता है, तो इसके अंदर आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों जो इक्वेटर होता है उसका एंगल कितना होता है, नति कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों फटाफट, क्वेश्चन कर देखिए, डेसिबल है, तो डेसिबल क्या है दोस्तों, इसमें डेसिबल क्या होती है दोस्तों, 138 में आंसर आएगा, ध्वनि स्तर की एक माप होती है, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, मैंने खूब अच्छे से बताया था इसको, ध्वनि स्तर की एक माप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आवेश संरक्षण पर आधारित है, क्योंकि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, एक नोड के ऊपर, ठीक है, तो मतलब इसमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान के कण की गतिज ऊर्जा ई है, इसका संवेग होगा, तो इसमें कितना आंसर होगा दोस्तों, √2ME इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्क कॉपर पायरेट का सांद्रण किया जाता है, तो कौन सी विधि होती है, फैन उत्प्लन विधि के द्वारा, थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फैन उत्प्लन विधि के द्वारा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, ये मैंने क्वेश्चन सभी करवाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप साइंस के सभी चैप्टर देखोगे जाके हमारे, तो वहाँ पे आपको सभी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अपने जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए हैं, वो अपने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं क्लास में, तो उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है, चाहे आप खुद जाके देख सकते हो, टॉपिक का नाम लिख रखा है बड़े बड़े अक्षरों में, वहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 142, 2 मिथाइल प्रोपेन में 3 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी होती है,
तो 2-मिथाइल प्रोपेन के फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें कार्बन होता है ऐसे। अब इसको फटाफट बनाना पड़ेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके अंदर भी एक कार्बन होता है और उस कार्बन के भी 3 हाइड्रोजन लगी होती है। तो इसमें और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन होती है। तो देखिए दोस्तों अभी इसमें डिग्री निकाल रहे हैं दोस्तों ना, तो एक कार्बन पे मैक्सिमम डिग्री कितनी हो रही है यहाँ पे देखिए। तो ये मतलब कार्बन से कार्बन कितने जुड़े हुए हैं, ये कार्बन है, इसके अंदर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, देखिए पहला वाला ये रहा, दूसरा वाला ये रहा और तीसरा वाला ये रहा। तो ठीक है, तो इससे कितने जुड़े हुए हैं, मैक्सिमम 3। तो इसमें कितनी डिग्री हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। तो 2-मिथाइल प्रोपेन में कितनी डिग्री कार्बन हो जाएगी, 3 डिग्री। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम क्या होगा। तो देखिए CH3, CH, OCH3 और CH3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आइसोप्रोपाइल मिथाइल ईथर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्बन के बाद संकलन हेतु बंद ऊर्जा है, तो इसमें 144 में आंसर आएगा दोस्तों सिलिकन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कार्बन के बाद में इसका क्या होता है, देखिए कार्बन के बाद में को सबसे ज़्यादा कार्बन में, फिर उसके बाद में सिलिकन में, सिलिकन से कम जर्मेनियम में होती है, ठीक है, ये इसका क्रम होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, कार्बन के बाद संकलन हेतु बंद ऊर्जा का क्रम क्या होता है, कार्बन सिलिकन और जर्मेनियम, ठीक है। तो सबसे कम जर्मेनियम में होती है इसमें, बीच में सिलिकन होता है, तो कार्बन के बाद वाला सिलिकन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पदार्थ एक्स के NX मोल को पदार्थ वाई के NY मोल में घोला गया। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखते हैं, पदार्थ एक्स तथा वाई के मोल अंशों का योगफल 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, बी ऑप्शन इसका देखते हैं। देखिए एक्स का मोल अंश बराबर एक्स के मोलों की संख्या पूर्ण विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है, ये भी सही है। वाई का मोल अंश बराबर NY अपॉन NX+NY, ये भी सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C, ठीक है। तो 3 इसके राइट आंसर हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है। तो इसमें देखिए दोस्तों 146 में आंसर हो जाएगा अपना, 146 में विटामिन डी हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हार्मोन की तरह कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण, ये मैंने सभी चीज़ें बताई हुई हैं दोस्तों आपको, अगर आप हमारे वो चैप्टर जाके चेक करोगे, ठीक है, तो साइंस के जितने भी चैप्टर हैं मैंने पूरे चैप्टर करवा रखे हैं कवर, ठीक है। तो 10-10, 15-15 मिनट के एक चैप्टर हैं बस पूरे, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं उनसे एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। आप अगर यकीन नहीं आता तो आप खुद जाके उसमें चेक कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाँच जगत वर्गीकरण विधि के अनुसार बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को सम्मिलित किया गया है, तो किसके अंदर सम्मिलित किया गया है, पादप में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, पादप में। नेक्स्ट है, सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं दोस्तों आप सभी को ना, निम्न में से कौन सा ऊतक है, तो इसमें से ऊतक कौन सा है, आपको मैंने बताया था रक्त एक ऊतक है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंड जनन की प्रक्रिया में जो हार्मोन अधिकतम होता है उसका नाम है, तो अंड जनन मतलब कि कौन सा होता है, एस्ट्रोजन होता है, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिप्पोकैम्पस एक है, तो हिप्पोकैम्पस क्या होती है दोस्तों, एक मीन होती है मतलब कि फिश होती है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये पूरे क्वेश्चन हो गए, और हाँ दोस्तों अब बचे हुए संस्कृत और सोशल साइंस के, ठीक है, तो सोशल स्टडी के बचे हुए हैं, तो उनको भी मैं जल्दी से बता दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।